सबको प्रणाम। मैं सुभाष चौहान, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे लगभग 20 वर्ष से आफ्टर माई एज 50 के बाद मुझे दांतों का प्रॉब्लम शुरू हुआ, होते होते और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया और अभी वो इतना हो गया कि 3 साल बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैं 69 प्लस हो चुका हूँ। तो मेरे को इस बीच में अमृता हॉस्पिटल के बारे में जानकारी मिला, तो यहाँ के डेंटिस्ट के लिए मैं यहाँ पर जानकारी लेने के लिए जब आया तो मुझे यहाँ आकर मैं डॉक्टर शिल्पा खुल्लर जी से मिला। मैंने उनको अपना सब प्रॉब्लम बताया, जो ट्रीटमेंट मुझे यहाँ मिला उन्होंने बताया कि सब ये आपका जितना भी सेंसिटिविटी है, जो दांतों में प्रॉब्लम है, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, क्योंकि ये था मैं कुछ भी ठीक से नहीं खा पाता था और गर्म ठंडा लगना या बहुत ज़्यादा उससे एक प्रॉब्लम होता था। तो तब उन्होंने बताया कि हम आपका सब रिमूव करके ये सब एक नया डेंचर बनाएंगे करके। मुझे कितना प्रॉब्लम था कि मैं लगभग 3 वर्ष से तो मुझे इतना प्रॉब्लम था, मेरा हेल्थ ख़राब हो गया, मैं ठीक से खाना नहीं खा पाता था और मतलब मेरा पेट भी अक्सर ज़्यादातर ख़राब रहता था ठीक से खाना ना खा पाने के कारण। फिर इधर आया तो मुझे ये एक जो ट्रीटमेंट मेरा शुरू हुआ डॉक्टर शिल्पा खुल्लर जी के द्वारा, अभी मेरे को इतना सुख है ये डेंचर बन जाने के बाद में, जो मैं बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहता हूँ उन सभी दोस्तों को जिनको शायद जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोलता हूँ कि कभी किसी को ऐसा प्रॉब्लम ना हो। बट उनके लिए मेरा एक निवेदन है, यदि उनको ऐसा है तो वो यहाँ आकर हेल्प ले सकते हैं। मैं हर चीज़ खा लेता हूँ, खाने में खीरा, ककड़ी, बादाम, और यहाँ तक के कल ही मैंने ट्राई किया, जैसे आम चूस नहीं पाते तो कल मैंने आम काट के खाया, तो मैंने 4 आम का गुठली, मतलब चूस के आम का गुठली खाया। मैं अभी खाने में वो हर चीज़ अभी खा लेता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मुझे बहुत टाइम हो गया था, कभी जैसे मन करता था गोलगप्पे खाने का, मैंने एक साथ में बहुत तेज़ भूख लगा था, मुझे भूख के कारण जब मैंने एक ट्राई किया कि मैं गोलगप्पा खा सकता हूँ या नहीं, तो मैंने एक खा के देखा तो मुझे, मैं बहुत आराम से मैंने खाया और मैंने 20 गोलगप्पा एक साथ खाया इतना तेज़ भूख में। ये मतलब मेरा एक ट्रायल भी था कि आखिर क्यों, बहुत सोचते हैं कि हम ठीक से खाना नहीं खा पा रहे ये नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो अभी मुझे जो सुख मिलता है खाने में, बोलने में, कोई भी मंत्रोच्चार करने में, जैसे हम डेली पूजा घर में करते हैं, कुछ मंत्र आदि पढ़ते हैं, तो बोलने में कई बार डेंचर के कारण कुछ लोग महसूस करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम मेरे साथ कुछ भी नहीं है। ज़्यादा मैं क्या कहूँ दोस्तों, बहुत हृदय से निवेदन करता हूँ, इसलिए करता हूँ और ये प्रार्थना करते हुए करता हूँ कि किसी भी बंधु को, किसी भी साथी को, मेरे जैसे किसी बंधु को कोई पीड़ा है, यदि उनको कुछ ऐसा कोई संदेश मिल जाता है कि उनको सही मार्गदर्शन इस हेतु मिल जाए कि वो ठीक जगह तक पहुँचें और ठीक इलाज प्राप्त कर सकें, तो ये ईश्वर की मुझ पर बड़ी भारी कृपा होगी और ये होगा कि हाँ, मैं एक आपको सही संदेश देने का माध्यम बन पाया।